तो ये वीडियो आप सभी की डिमांड पर बनी है। काफी लोगों के कमेंट आए हैं कि भैया अभी मैंने जस्ट डिप्लोमा निकाला है या फिर डिग्री निकाली है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे मैं क्या करूं, या किसी को पता भी है कि उन्हें बिजनेस करना है तो प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं है। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या डिग्री किया हुआ है या अभी कंप्लीट करने वाले हैं तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन बचते हैं, और अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन फर्म शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशु, आई एम 23 ईयर ओल्ड एंड आई एम अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर। तो यार, डिप्लोमा और डिग्री खत्म करने के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी कैसे शुरू करे, इसे जानने से पहले जरा हम ये देख लेते हैं कि सिविल स्ट्रीम के स्टूडेंट के पास आखिर ऑप्शन क्या क्या होते हैं। तो भाई देखो, हम है तो इंजीनियर ही, तो ऐसा कहना कि हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है ये गलत है। भाई हमारे पास अनलिमिटेड ऑप्शन है। जैसे मुझे ही देख लो भाई, मैंने पहले डिप्लोमा किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर लगा यार जॉब मेरे लिए नहीं है तो फिर मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गया। उसके बाद साथ साथ मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ, तो भाई ऑप्शन तो अनलिमिटेड है। फिर भी अगर आप खुद को लिमिट करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिग्री और डिप्लोमा के खत्म होने के बाद आपको जरूर से कर लेना चाहिए। जैसे कि आप अपना एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। भाई इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप किस टाइम पे अपना एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ये काम होने के बाद तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि भाई कोई भी कॉलेज हमें सिर्फ डिग्रियां देती है, कोई स्किल्स नहीं देते। तो अपने स्किल्स बढ़ाने पे फोकस करो, क्योंकि भाई रियल वर्ल्ड में, रियल फील्ड में तुम्हें स्किल ही काम आएंगे, ना कि कोई डिग्री। तुम डिफरेंट कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम ऑटोकैड से शुरू करो और एडवांस जाते जाओ। तुम स्टैट प्रो करो, तुम सिविल 3D करो, जितने तुम एडवांस जा सकते हो सॉफ्टवेयर सीख लो। ये सॉफ्टवेयर ही है जो आपको एडवांटेज देते हैं। भाई आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब लेने जाओगे तो आपको इन्हीं सारी स्किल्स आपके अंदर देखे जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो काफी अच्छी बात है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, पर यार खाली मत बैठो। आप अपने फ्री टाइम पे किसी छोटी मोटी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, जिससे आपको रियल फील्ड की नॉलेज होगी। और जिन्हें अपना कंस्ट्रक्शन फर्म शुरू करना है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। मैं आगे स्टेप्स बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन बचता है टीचिंग फील्ड में जाने का। भाई अगर आपने डिग्री कर रखा है तो आप किसी भी डिप्लोमा कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए जा सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप टीचिंग फील्ड में जाओ ही। इससे होगा ये कि आपके प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा। और हाँ, डिप्लोमा कॉलेजेस में ये आपको पर डे आप कितने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसके हिसाब से आपको फी पे करते हैं। अब बात करते हैं जिन्हें ये सब नहीं करना, जो कहते हैं भाई मुझे किसी और के नीचे काम नहीं करना है, मुझे खुद के लिए काम करना है। तो भाई सबसे पहले आपको काम ये करना है कि अपने सारे फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट कर लो। आपको जो भी सॉफ्टवेयर सीखने हैं सीख लो, जो भी कोर्सेज करने हैं कर लो। उसके बाद सबसे पहले कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का कोर्स करो। ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आपको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आए। इसके लिए आप किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप बड़े मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन कीजिए। आप अपने लोकल के कंस्ट्रक्शन कंपनीज को देखिए, छोटे कंपनी इसको देखिए, वहां उसको ज्वाइन कीजिए। इससे होगा ये कि आपको नजदीक से पता चलेगा कि एक कॉन्ट्रैक्टर काम कैसे करता है, वो चीजों को मैनेज कैसे करता है, और फील्ड की नॉलेज आपको मिलेगी। डिप्लोमा या डिग्री के खत्म होते ही सीधे ही कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलने के बारे में मत सोचो। भाई ये काम काफी ज्यादा टफ है, आपको खुद को तैयार करना होगा इस फील्ड में आने के लिए। तो आप वहां पे टाइम दीजिए और हाँ, पैसे इकट्ठे कीजिए। भाई हाँ, ये बिजनेस काफी अच्छा आपको कमा करके देगी, पर पहले आपसे मोटा इन्वेस्टमेंट भी मांगेगी। तो पहले सारी चीजें कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं जो आगे प्रोसेस बताने वाला हूँ उस पे आप फोकस करते हैं। तो मैंने मान लिया कि आपने सारी चीजें कर ली, आपने 1.5-2 साल किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में ज्वाइन किया उसे और सारी चीजें सीख ली, और आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी भी है। तो अब बारी आती है हमारा कंस्ट्रक्शन लाइसेंस लेने की। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि आप अपने स्टेट के PWD ऑफिस जाइए और वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा कीजिए, जैसे कि अपने बिजनेस का पैन, बैंक डिटेल्स और सारी बेसिक डॉक्यूमेंट्स। तो स्टेट बाय स्टेट चेंज होते रहते हैं, आप अपने स्टेट के PWD जाके ये सारी चीजें पता कर सकते हैं। तो अब लाइसेंस लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि GST नंबर, आपके बिजनेस का पैन, आपके बैंक सॉल्वेंसी, मतलब कि एक ऐसा सॉल्वेंसी होता है जिसमें आपको बैंक में आपके कितने अमाउंट है वो आपको शो करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप सोल प्रोप्राइटर में जाना चाहते हैं या काम पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं। और हाँ, एक जरूरी बात, लाइसेंस बनाने के लिए आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है जो कि 1 लाख से 3 लाख के बीच हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी अच्छे CA के पास जाइए, वो आपको सारा लीगल इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपका लाइसेंस आपके हाथ में आ जाएगा। अब आप कॉन्ट्रैक्टर तो बन चुके हैं पर आपके पास काम नहीं है,
कब काम कैसे लिया जाए, तो ये जानने के लिए वेट कीजिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का। हम आगे प्लान कर रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लाने का, जिसे देख करके आप काफी एंजॉय करने वाले। तो वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ शेयर करना मत भूलना। तब तक मैं तैयारी करता हूँ आपसे दोबारा मिलने की।